हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल आपने देखा ही होगा, हमें एक क्रशिंग डिफीट मिला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज हुआ हमारे साथ। तो इसी बात पे मैं बात करने वाला हूँ और मैं कुछ अपनी राय रखूंगा विद टर्म्स ऑफ द डिफीट, क्यों हुआ, जैसे कि मेरा थॉट्स और मानना मैं आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप अग्री करते हो तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा आपके सजेशंस कि क्या हो सकते थे फॉर विन एक्चुअली। सो मेरा जो परसेप्शन है कि सिलेक्शन इस बार काफी हद तक ठीक ठाक ही था, जैसे कि विद द इंक्लूजन ऑफ इनफॉर्म आईपीएल बैट्समैन ईशान किशन, और हालांकि ही इज अ यंगस्टर एंड हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, बट हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ही फेल्ड इन द वेरी फर्स्ट गेम। बट हाउएवर विद द इंक्लूजन ऑफ शरदुल ठाकुर, स्क्वाड लुक बैलेंस्ड टू मी एज पर द स्क्वाड, इनिशियल स्क्वाड सेलेक्टेड। हालांकि शरदुल ठाकुर भी कुछ परफॉर्म नहीं कर सके इधर विद द बैट और बॉल, बट हाउएवर वी कांट ब्लेम अगेन बिकॉज ऑफ द ओवरऑल कोलैप्स ऑफ द टॉप ऑर्डर फॉर अस। जैसे कि अगर बात करेंगे, थोड़ा मेरे को ऑर्डर, जो बैटिंग ऑर्डर की शफल की गई उस चीज पे मैं बात करूंगा, एंड आई एक्चुअली हैड इश्यूज विद दैट शफलिंग ऑफ डिक्रीजिंग डिमोटिंग रोहित शर्मा टू नंबर वन डाउन वॉज क्वाइट पजलिंग टू मी। हालांकि ही हैज बीन वेरी ग्रेट ओपनर फॉर अस फॉर एटलीस्ट ओवर डेकेड नाउ I would say, and he should have opened with Ishan Kishan at least, and KL Rahul should have been demoted to one down and followed by Kohli. तो ऐसे नहीं हुआ, तो पहले रोहित को डिमोट किया गया। एज ए रिजल्ट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उनको इनिशियली इन द फर्स्ट प्लेस डिमोट किया गया, ताकि बेस्ड ऑन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म सीमर्स, नॉट रियली, वो इंग्लैंड में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं अगेंस्ट गुड लेफ्ट आर्म सीमर्स, तो ऐसे नहीं है कि उनको दिक्कत होगा। तो एक्चुअली ये सिलेक्शन और डिसीजन किसका था ये मेरे को पता नहीं, बट आई डोंट अग्री इन द एक्चुअल शफलिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बैट्समैन, उसमें मैं सहमत नहीं हूँ। तो मेरे को ये चाहिए था कि रोहित ओपनिंग ही करे विद ईशान किशन और केएल राहुल, बट केएल राहुल कुड हैव बीन डिमोटेड टू वन डाउन फॉलोड विद कोहली। सो बट अगेन इट वॉज अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ अवर टॉप ऑर्डर। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि बैन आईपीएल का एक हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पे, विच आई टोटली डिसअग्री बिकॉज आईपीएल हैज बीन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यंग टैलेंट। हाउएवर द ओनली थिंग इज, जो आईपीएल में उन्होंने परफॉर्म किया है वो हालांकि इस बार रिप्लीकेट करने में कामयाब नहीं हुए, हालांकि वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट इट डज नॉट मीन यू नीड टू बैन द होल आईपीएल टूर्नामेंट। इट्स जस्ट दैट द स्केड्यूलिंग वॉज इम्प्रॉपर, जैसे कि जस्ट आफ्टर अ वीक ऑफ आईपीएल क्लोजर इमीडिएटली वी स्टार्टेड प्लेइंग 2020 वर्ल्ड कप। एटलीस्ट मेरे को ये था कि अगर हम मैचेस कट डाउन कर देते, ट्रंकेट कर देते फॉर अराउंड 10 मैचेस, दैट कुड हैव बीन गुड एंड गिवन अवर प्लेयर्स अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 20-25 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, इट कुड हैव बीन बेटर। सो फटीगनेस नहीं होता हमारे प्लेयर्स को, सो प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि वजह हो सकता है कि फटीगनेस की वजह से भी दे परफॉर्म्ड इन अ डिसअपॉइंटिंग वे। बट हाउएवर अगर हम प्लेयर्स को काफी हद तक एक ब्रेक दे देते 20-25 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, आई थिंक वी कुड हैव परफॉर्म बेटर, इज व्हाट माय आइडिया इज और माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप सहमत नहीं कर सकते, बट मेरा जो थॉट है मैं बोल रहा हूँ कि हालांकि इट्स नॉट गुड टू बैन द एंटायर आईपीएल, बट स्केड्यूलिंग वॉज इम्प्रॉपर दिस टाइम बिकॉज वी हैव गॉट लॉट ऑफ टैलेंट्स एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ आईपीएल। सो आई मीन नॉट giving this I'm not being disrespectful to IPL in any ways, but however only thing has been that in this entire World Cup
वी हैव नॉट बीन एबल टू रेप्लीकेट द आईपीएल परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल स्टेज, यही कहूंगा। हालांकि देर इज डेफिनेटली स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन एंड चॉइसेस, एंड अगेन आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट दैट युजवेंद्र चहल वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। ही हैज बीन अवर लीडिंग लेग स्पिनर एंड एटलीस्ट दे कुड हैव ट्राइड इवन अश्विन अलॉन्ग विद चहल, दैट कुड गिव अ बैलेंस इन अवर स्पिन डिपार्टमेंट। हालांकि फास्ट बॉलिंग हैज बीन नॉट अप टू द मार्क कहूंगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यूएई कंडीशंस आर वेरी सिमिलर टू आवर ओन कंडीशंस दैट वी प्ले हियर, बट हालांकि थोड़ा परफॉर्मेंस डिसअपॉइंट किया है, इट्स ओके, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट वी हैव एक्चुअली वन सीरीज इन इंग्लैंड एंड इवन वी हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिसेंटली वी हैव सील्ड द सीरीज टेस्ट सीरीज इन 2-1 एंड मेरे को एक काइंड ऑफ इंटेंट नहीं दिखा इस मैच में, जैसे कि हमें खेल के जीतना है इस तरीके का इंटेंट मिसिंग था इस मैच में। हालांकि वी आर नॉट आई मीन वी डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी टू क्रिटिसाइज अवर गाइज बिकॉज हमें पता नहीं होता कि वहां क्या उन पे प्रेशर बीतती होगी, जैसे कि कोहली ने भी स्टेटमेंट दिया था टू मीडिया कि आप किट पहन के चले जाओ ग्राउंड पे, तो हाँ वो मैं एग्री करता हूँ कि इट एक्चुअली रिक्वायर्स करेज एंड द टीम दैट हैंडल्स द प्रेशर वेल इज गोइंग टू विन एट दैट पर्टिकुलर गेम। सिमिलरली मेरा मानना है कि हम कंप्लीटली प्लेयर्स को ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं बिकॉज वेन दे परफॉर्म वी चीयर एंड वेन दे फॉल वी एक्चुअली डिस्ट्रॉय देम लाइक इन सेकेंड्स एंड डिस्ट्रॉय देयर हार्ड वर्क इन सेकेंड्स बाय गिविंग लेटेंट ब्लेटेंट कॉमेंट्स टू देम, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। तो आपको चीयर अप करना है इवन एट द टाइम्स ऑफ फियास्को, सो वी मस्ट स्टैंड विद द टीम एंड सपोर्ट देम एंड मैं काफी हद तक ये भी देख रहा हूँ कि पैसे खूब कमा लिए उन्होंने तो इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अरे भाई वो लोग रिसेंटली इंग्लैंड को मार के आए हैं, तो आई मीन इट्स नो वेयर लाइक इवन ओल्ड आवर ओन आई मीन आवर ओल्ड इंडियन टीम हैज नेवर बीटन इंग्लैंड इन इंग्लैंड, सो विद द हेल्प ऑफ विराट कोहली कैप्टनसी वी हैव अचीव दैट, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग एंड इवन वी हैव बीटन ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज नॉट वन एनी आईसीसी टूर्नामेंट्स येट, बट दैट डज नॉट मेक हिम अ पुअर कैप्टन, इट्स जस्ट समटाइम्स लक डज नॉट फेवर हिम, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो कभी कभार लक हमारा साथ नहीं देता, बट हालांकि ही हैज बीन वन ऑफ द प्रोलिफिक बैट्समैन इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, तो उनको ऐसे ब्लेटेंटली क्रिटिसाइज करना, हालांकि हम यहाँ पे बैठ के यही कर सकते हैं, बट इंस्टेड थोड़ा सजेशन एंड इम्प्रूवमेंट वो लोग को भी लाना पड़ेगा, हमारे मैनेजमेंट के तौर पर वो लोग करना पड़ेगा एंड सिलेक्शन हमारा प्रॉपर करना पड़ेगा अगेन एंड तो ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग डिफीट तो है, हालांकि दुख हुआ है जैसे कि हमने हारा है बिकॉज आई बीइंग अ कोहली फैन आई रियली फील बैड सीइंग हिम इन सच अ डिक्लाइन स्टेट एंड आई मीन ही वॉज लुकिंग सो डिमोरलाइज्ड एज वेल एट द सेम टाइम बिकॉज हमारा मीडिया भी एक टाइम एक इस प्रकार का हाइप क्रिएट कर देता है कि हमारा टीम सभी को हरा देंगे, ऐसा वैसा करके प्रेशर डाल ही देते हैं हमारे प्लेयर्स पे, तो वो भी एक हद तक प्रेशर हो जाता है हमारे प्लेयर्स में, तो वो भी हमको रियलाइज करना है कि मीडिया को हमको इतना भावुक होने नहीं देना है और मीडिया ही एक वजह है कि हमारा एक इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ आवर फेलियर, ये भी कहूंगा बिकॉज दूसरे कंट्रीज में इतना हाइप नहीं देते वो लोग बट जितना हम हाइप देते हैं, तो इसी प्रकार से भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है हमारी हार के बीच, बट अदरवाइज फटीगनेस भी एक और रीजन हो सकता है जो मेरा थॉट है। आपका थॉट क्या है ये आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, बट अगेन इट वॉज डिसअपॉइंटिंग डिफीट आई एग्री एंड इट्स डेफिनेट हार्ट ब्रेक फॉर ऑल दी फैंस हू आर चीयरिंग फॉर अवर टीम, सो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि हाँ अब वैसे भी अब कोहली एंड शास्त्री एंड को रिजाइन कर चुके हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब एक नया कैप्टन आएंगे, तो अगेन वी हैव टू जस्ट वेट एंड कीप सपोर्टिंग अवर टीम इंडिया एंड लेट्स होप
for the best in the upcoming tournaments. And let's keep supporting our team rather just going at bashing our team like anything on social media, which is not acceptable, is what my point of view would be. So, till then, stay safe, take care, cheers, tada, bye-bye.